नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लघु वेद में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना काल के चलते हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है वो कैसे बढ़ाए, और जो सर्दी खांसी हुई थी उसमें कफ जम गया है वो कैसे निकाले। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच अजवाइन ले लिया है। अजवाइन बहुत ही फायदेमंद रहेगा हमारे इस प्रयोग में, तो हम ये 2 चम्मच अजवाइन ले लेते हैं। हम इस अजवाइन को हल्का हल्का पीस लेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का हल्का पीस लेंगे। मैंने पहले से पीस रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले से इसको हल्का हल्का पिसा हुआ है दूसरी कटोरी में। ये देखिए, मैंने ये पिसा हुआ है हल्का हल्का अजवाइन, हल्का हल्का पिसा है, ज़्यादा नहीं पीसना है आपको भी, हल्का, बिल्कुल हल्का पीसना है। और हमें इसके लिए बस एक और चीज़ की आवश्यकता है, केवल 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। हमें बस थोड़ा सा कपूर, आप पूजा में काम लेने वाला कपूर भी ले सकते हैं, या फिर जो ओरिजिनल कपूर आता है वो भी ले सकते हैं। ये मेरे पास पूजा में जलाने वाला कपूर है, वो मैंने लिया है। ये देख लीजिए आप, इतना सा टुकड़ा ही लेना है आपको भी। और हमें अब चाहिए एक रुमाल या फिर सूती कपड़ा। मैंने रुमाल लिया है यहाँ पर, आप और कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रुमाल लिया है क्योंकि रुमाल ठीक रहेगा इसके लिए। और अब हम इस पीसी हुई अजवाइन को इस रुमाल में डाल लेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं इसमें। ये हमने इस अजवाइन को डाल लिया है, और अब हमें लेना है कपूर। कपूर हम ले लेते हैं, कपूर का बस इतना सा टुकड़ा ही लेना है हमें, ये छोटा वाला टुकड़ा, हाँ ये ले लेना है। और इसको हल्का सा तोड़कर इसमें डाल लेना है, और एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे हम, ये थोड़ा कम है। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा और ले लिया है, इतना ही आपको भी लेना है बस, और इसके भी छोटे टुकड़े करके इसमें डाल लेना है। और बस हो गया हमारा काम कंप्लीट यहाँ तक का। और अब बस हमें इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली कैसे बनानी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें इसको पकड़कर इसकी पोटली बना लेनी है। ये देखिए, ये पोटली बन गई, बस थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे हम, ये पोटली बन गई बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए पोटली बन गई हमारी। अब हमें चलना है गैस के पास। ये हम गैस के पास आ चुके हैं, और हमें चाहिए एक रोटी सेकने वाला तवा। ये तवा बस इतना ही गर्म होना चाहिए जितना कि हम इस पर टच करके सहन कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये टच करके सहन कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म करने से हमारी ये पोटली जल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा ही गर्म करना है। और अब इस तरीके से हमें छाती पर और पीठ पर इससे सिकताव करना है, सेकना है हमें इस तरीके से। मैं हाथ पर करके दिखा रहा हूँ। और विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि किसी बच्चे, छोटे बच्चे को कर रहे हो आप, तो पहले एक बार अपने हाथ पर टच करके देख ले। इस तरीके से हम कर लेते हैं सिकताव, और आपका पूरा बलगम निकल जाएगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर कई लोगों की जान बचा सकता है, कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल ऊपर ला सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।